सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। कहा है कि अब मैं क्या करूं मेरी माई, सकल जन्म विषयों में खोया, सिमरियो नहीं कनाई। काल फांस जब गल में घालियो, ते सब शुद्ध बिसराई। राम नाम या संकट में अब होत कौन सहाई। जो संपत्त अपनी कर मानी, क्षण में भई पर आई। कह नानक ये सोच रहे मन में, हरि इस कभी न गाई। वक्त गुजरने पर तो आदमी की बात बनती नहीं है, इस वास्ते विश्वास इतना जबरदस्त होना चाहिए जैसे गुरु महाराज का। जो तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनका उतना ही विश्वास है कमाई के साथ, क्योंकि देव द्वार से आई हुई है। कबीरदास की बात मैंने पीछे सुनाई थी कि एक आदमी को तकलीफ हो गई, जाते नहीं थी। जब डॉक्टर जवाब देते भगवान जवाब नहीं देता, भगवान के प्यारे जवाब नहीं देते हैं। कबीरदास के घर गया, कबीरदास जी घर में नहीं थे। औरतें दयावान होती हैं, माई लोई को दया आ गई। उसने 3 बार राम राम कहकर उसके सिर पर हाथ रख दिया, जल पे आ दिया, दर्द दूर हो गई। वो धन कबीर कहता आ रहा था, कबीर जी रास्ते मिल गए, कबीर को देखा है नहीं। धन क्यों कबीर कहते हो, सारी कहानी सुनाई। घर आके मुंह पड़े करके बैठ गए। माई लोई ने सोचा कभी ऐसी बात नहीं हुई, क्या बात है। कहने के मरीज आया था फिर 3 बार राम राम का कहता, इसी ये तो कहता। 3 बार कहने की क्या जरूरत है, एक बार से तो कई काम हो जाते हैं। ये मैं जान ली पति रस जाना, तो एक बड़ी राम। इस वास्ते मंत्र में बड़ी जबरदस्त शक्ति है, लेकिन विश्वास में शक्ति है। अगर कोई बात हमारी नहीं होती है, या तो हमारे हित में है या हमारे विश्वास में कमी है। इस वास्ते ये मानना पड़ेगा कि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दवा से होता है। प्रार्थना अगर तेरी सच्ची है याद रखिए, अगर गलती है तो माफी मांगिए भगवान से, बार बार माफी मांगिए कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दे मेरे से गलती हो गई। अगर न्याय है तो परमेश्वर से न्याय मांगिए कि मेरे को न्याय चाहिए। झूठ करे, फरेब करे, धोखा करे और भगवान से मांगे तो फिर वो बात महाराज ने कहा है कि एक अच्छा आदमी भी गलत बात को नहीं मानता, भगवान को मांगेगा। गलती किससे नहीं होती है, दुनिया में सबसे होती है। परमेश्वर से माफी मांगे कि भगवान क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। सच्चाई है तो न्याय मांगे। तो पहली बात तो मुझे ये कहनी है गुरु महाराज की कि नाम में बड़ी शक्ति है पर विश्वास के साथ। माला में महाराज ने कहा है कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। 1 करोड़ राम नाम का जाप किया हुआ हुए तो कठिन से कठिन काम भी हो जाते हैं, ऐसा कहा है। 1 करोड़ की जब भी माला में भी शक्ति होती है, पर माला तो कर में फिरे जी फिरे मुखमाई, मनवा तो ज्योतिष फिरे ये तो सिमरन माई। माला लेने काट की धागे नहीं परोए, मन में गुंडी पाप की फिर राम जी पे क्या हुए। कृष्ण जी ने कई बार कहा है कि तेरे को परखना चाहिए अपने आप को कि तेरे को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, क्या तेरा जीवन भी बदला है कि नहीं बदला है।
अगर नहीं बदला है समझ ले कि तेरे में कसूर है, रावणों में कोई कसूर नहीं, मंदिर में कसूर नहीं है, जिन्हें करोड़ों जब जगा दिए फिर उसमें कसूर नहीं है, फिर वो जीवन भी बदलना है। तो एक बात तो मुझे ये कहनी है कि राम नाम भी शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है। इष्ट एक आदर अनेक, जाते मंदिरों में सब जगह हम जाते नमस्कार करते हैं, लेकिन इष्ट हमारा राम नाम है। तुलसीदास जी ने कहा है कि एक पत्नी का जो पति के साथ संबंध है वो अपना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पति के मां के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ हमारा संबंध कोई कम है, वो भी है, वो अदर है। इष्ट हमारा राम नाम है। इस वास्ते अधिष्ठान के सामने बैठ के जाप करना है। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि हमने कमरे में 8 फोटो रखे हुए हैं, मैं महापुरुषों की सब देखता हूं कि मन का बहुत अच्छी बात है, कहेंगे हम ध्यान किसका करें, हमें समझ नहीं आती 8 जगह ध्यान करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जाओ, इष्ट आपका है, कहते बाकी फोटो को क्या करें, मगर बाकी फोटो कुछ नहीं करो, अधिष्ठान दूसरे कमरे में रख लो, ध्यान करना है तो फिर ध्यान तो एक ही जगह करोगे, 8 जगह क्या करोगे फिर आप। इस वास्ते मंत्र में शक्ति है, वो हमारा इष्ट मंत्र है। माला में शक्ति है, लेकिन मेरे जीवन को भी बदलना चाहिए, फिर माला में शक्ति है। माला तावीज का काम भी देती है, माला कवच का काम भी देती है। संसार ऐसा है कि खड़े को देख नहीं सकता है, गिरे को भी उठा नहीं सकता है। जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको कोई देख नहीं सकता है, जो कुछ कुछ से हो सकता है, जादू करे, टूना करे, तो कुछ भी करे कर सकता है, लेकिन राम नाम कीलक मंत्र है, राम नाम की जब माला कीलक मंत्र है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो रोक देती।